हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेड बायो क्लासेस में। मैं नंदकिशोर सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, स्वागत करता हूं बच्चों अपने इस चैनल में। बच्चों आज नए सीरीज की स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और कुछ बच्चों के प्रॉमिस पे मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं आपसे एक और प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि NEET 2021 के लिए, जब NEET 2021 में आप देंगे, उससे पहले जूलॉजी का जितना भी पोर्शन है मैं अपने चैनल पे कंप्लीट कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो बच्चों, ठीक है। मैं बेसिक पॉइंट रोज डालूंगा, 5-7 मिनट का ही लेक्चर रहेगा। 10-12 लेक्चर में मैं सारे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, मतलब कि एक चैप्टर कंप्लीट करने में 10 लेक्चर लग जाएंगे। 5 मिनट का भी हो सकता है, मैक्सिमम 10 मिनट का होगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं लोकोमोशन क्या होता है बच्चों। देखो, एक इजी तरीके से मैं आपको अगर लोकोमोशन समझाऊं तो किसी प्लेस को चेंज कर लेना ही क्या कहलाता है, लोकोमोशन कहलाता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ए प्लेस पे हूं, मैं अभी यहां पे हूं ए पे, अगर यहां से चल के मैं बी प्लेस पे चला गया तो इसी सिस्टम को अपन बोलते हैं लोकोमोशन, मतलब कि चेंज इन पोजीशन, दिस इज नोन एज लोकोमोशन, क्लियर है। जब पोजीशन को अपन चेंज कर लेंगे वैसे सिस्टम को अपन बोलते हैं बच्चों लोकोमोशन। मैंने पॉइंट भी लिखा है कि चेंज इन पोजीशन, दिस इज नोन एज लोकोमोशन, मतलब कि ए पॉइंट से अगर मैं बी पॉइंट के तरफ चला गया तो इस सिस्टम को अपन बोलते हैं बच्चों लोकोमोशन। अब देखो, इस चैप्टर का नाम ही है ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है बच्चों। तो देखो, लोकोमोशन और मूवमेंट सिग्निफिकेंट फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बच्चों। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है कि जो सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट होता है बच्चों। यहां तक तो सबको क्लियर होगा बच्चों। देखो, अब लोकोमोशन कैसे कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊं। वॉकिंग करके जब अपन दौड़ते हैं ऐसे, वो भी लोकोमोशन करते हैं। जब अपन रनिंग करते हैं वो भी लोकोमोशन करते हैं बच्चों। जब अपन फ्लाइंग करते हैं वो भी लोकोमोशन होता है बच्चों। लेकिन ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस के सिस्टम में लोकोमोशन क्या होता है, जैसे मेरा टंग है, ऐसे टंग को मैं हिला ले रहा हूँ अपने हाथ से, दिस इज नोन एज लोकोमोशन। ह्यूमंस की कंडीशन में मैं बात करूँ तो मेरी आईलिड्स है, उसे भी क्या कर सकते हैं, अपने 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 हिसाब से क्या कर सकते हैं बच्चों, लोकोमोट कर सकते हैं। ये मेरा हैंड है, हैंड क्या कर सकते हैं, अपने आप से क्या कर सकते हैं बच्चों, लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब कि सिस्टम को हिला सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है कि जो लोकोमोशन होता है वो हमेशा कैसा अपना सिस्टम शो करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट शो करता है। कैसा शो करता है बच्चों, वॉलेंट्री मूवमेंट जो लोकोमोशन होता है वो शो करता है। देखो, वॉलेंट्री क्या होता है यार, वॉलेंट्री मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रोल में हो उसे अपन बोलते हैं वॉलेंट्री। जैसे कि मेरा हाथ है, ये मेरा हैंड है, ये मेरा हैंड हमारे कंट्रोल में है, मैं जैसे चाहूं ऐसे मूव कर सकता हूं। जब अपने सिस्टम में अपना सिस्टम ही हो उसे अपन बोलते हैं वॉलेंट्री। अपना सिस्टम का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी नहीं, हम खुद से काम कर सके। जैसे कि ये मेरा हाथ है, मैं ऐसे ऐसे हिला ले रहा हूं ना, ऐसे ऐसे मूव कर ले रहा हूं ना, ये वॉलेंट्री हो गया। ये मेरा टंग है, ऐसे टंग में कर ले रहा हूं ना, ये क्या हुआ बच्चों, ये वॉलेंट्री हो गया। तो वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में हो उसे अपन बोलते हैं वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री एक और टर्म होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो बच्चों उसे अपन बोलते हैं क्या, इनवॉलेंट्री। क्लियर है यहां तक, सबको क्लियर होगा, पक्का है यहां तक सबको क्लियर होगा। अब एक पॉइंट समझना है लोकोमोशन के बाद, मूवमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है। उससे पहले एक देखो पॉइंट छूट गया बच्चों, मैं समझा दूं। एग्जांपल जो एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दे रखा है, पैरामीशियम, पैरामीशियम का जो मूव होता है वो सीलिया के थ्रू होता है, और जो हाइड्रा का मूवमेंट होता है बच्चों वो टेंटिकल के थ्रू होता है, ठीक है बच्चों। आपसे पूछा जाएगा कि पैरामीशियम का मूव किसके, लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, मूवमेंट किसके थ्रू होता है, तो सीलिया के थ्रू हो जाता है। और ये किसके थ्रू करेगा, हाइड्रा, टेंटिकल के थ्रू करता है बच्चों। यहां तक क्लियर है। अब देखो, एक पॉइंट और समझना है कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट मतलब होता है ना कि जब हम एक ही पोजीशन से मूव करें उसी को अपन बोलते हैं मूवमेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी बच्चों, और मैं यहाँ पे खड़ा होकर अपने हैंड को मूव कर रहा हूँ ना, ये हो गया मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि मैं जैसे जैसे कि ये मेरा ये आईलिड्स है ना, देखो ये ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, ये हो गया मूवमेंट। मतलब कि एक ही प्लेस से, वन प्लेस से अगर मैं किसी चीज को मूव कराता हूँ उसे ही अपन बोलूंगा मूवमेंट बच्चों, ठीक है। मैं खड़ा होके
जो काम कर रहा हूं उसे अपन बोलेंगे मूवमेंट। खड़ा होके मैं स्टैंडिंग में रह के जो काम सिस्टम को मूव करा रहा हूं उसे अपन बोलते हैं बच्चों मूवमेंट। क्लियर है बच्चों? यहां तक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे समझ लेना है। जितने लोकोमोशन होंगे वो मूवमेंट हो सकते हैं बच्चों, लेकिन जितने मूवमेंट होंगे वो लोकोमोशन नहीं हो सकते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एम्स एंड जिपमर ऑल्सो। ये पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है बच्चों कि एवरी लोकोमोशन इज मूवमेंट बट एवरी मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। ठीक है बच्चों, जितने लोकोमोशन होंगे वो मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन जितने मूवमेंट होते हैं वो लोकोमोशन नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने बेसिक पॉइंट के बारे में समझाया। अब अपन अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में समझेंगे बच्चों। ठीक है, चार प्रकार की मूवमेंट होती है, एमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट और फ्लैजुलर मूवमेंट के बारे में अपन समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो केवल अगले लेक्चर में अपन केवल इसी टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज का अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करना बच्चों जिसको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।